अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज क्या कहते हैं, मैं तैयार श्यार हो गया, मैं स्कूल आया था। यहाँ पे क्या कहते हैं, मेरा हेलमेट पड़ा हुआ था वो, और आज दोस्तों ने प्लान बनाया कि यार घूमने शूमने जाना है और नाश्ता इकट्ठे करना है। तो मैं काफ़ी देर हो गई है मुझे, उनके रिएक्शन में आप लोगों को नोट करवाऊँगा। अभी मैं निकलता हूँ, मैं हेलमेट लेने आया था, यहाँ पर स्टोर रूम में हेलमेट पड़ा हुआ है, मुझे याद नहीं था घर में, क्योंकि वो मार रोड वाली साइड पर जाएँ तो हेलमेट लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे हेलमेट मेरा वो पड़ा हुआ है भाई जान, हेलमेट मैं उठा लेता हूँ। और 200 रुपये का आपको पक्का चलान है, ठीक है, हेलमेट लाजमी लेके जाएं, ये सेफ्टी भी होती है यार। जल्दी जल्दी निकलता हूँ और उनके रिएक्शन में आप लोगों को नोट करवाता हूँ कि क्या हालात हैं उनके आगे। वो मेरा 1.25 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं काफ़ी लेट हो चुका हूँ। 10 बजे की टाइम था और 10 से बहुत ज़्यादा हो गया, 10 तकरीबन 11 बजने वाले। फाइनली यार मैं तैयब के हॉस्टल आ गया हूँ और वो भाई मुझे कॉलों पे कॉलें कर रहे हैं, अब जाने लगा ऊपर। ये देखिए, मैं रिएक्शन नोट करवाऊँगा आपको, ये ऊपर बैठे हैं मेरे रूम में। यार हमने नाश्ता नुश्ता कर लिया था, ठीक है, और अब हम फाइनली क्या कहते हैं दिल्ली गेट, हमने क्या कहते हैं सबसे पहले दिल्ली गेट विजिट करते हैं। तो दिल्ली गेट हम विजिट करने आ गए हैं। ये भैया सारे खड़े हुए हैं, उस्मान, दानिश, फातिक और तैयब, ये हम दिल्ली गेट विजिट करने आ गए हैं। यहाँ पे इन्होंने बाहर लिखा भी हुआ है कि ना कौन कौन सी यहाँ पे विजिट करने के लिए प्लेसेस हैं। आ जाओ जरा देखें कौन कौन सी हैं, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है, मेन ये इन्होंने बैनर लगाया हुआ है। सबसे पहले प्लेसेस टू सी उन्होंने बताया हुआ है, शाही हमाम है, गली सबील वाली है, गली ये कौन सी लिखी, सुरजन सिंह, और चौक मस्जिद वजीर खान, क्यों मस्जिद वजीर खान भी यहाँ पे है, और क्राफ्ट बाजार। क्राफ्ट बाजार कहाँ पे कर गया है, ये सारा इसी के अंदर ही आएगा, चलो देखते हैं। ओए क्राफ्ट बाजार भी है, आज क्राफ्ट बाजार पहले सुना है नाम क्राफ्ट बाजार का, यहाँ क्राफ्ट बाजार भी है यहाँ पे, और अब हम चलते हैं कि देखते हैं किस किस तरह की है। ये अंदर एंटर होते साथ ही ये क्राफ्ट बाजार की तरह ही है कि मतलब कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने, ये हम वापसी पे दिखाएंगे। ये इनका टूरिज्म ऑफिस है ये वाला, ये यहाँ पे टूरिस्ट को गाइड करती हैं कि आगे क्या क्या चीज़ है, किस तरह, ये सारे टूरिज्म को यहाँ जो भी टूर यहाँ पर करने आता है उसको गाइड करते हैं। सबसे पहले गली आती है ये है, राइट साइड पे है सबसे पहले गली, ये वाली, ये सबील वाली गली है जो सबसे पहले उन्होंने कहा हुआ था राइट साइड पे। ये देखें, ये आपको सबील वाली गली नज़र आ रही है अगर हम इसके अंदर एंटर हों। ये मैं अंदर आपको लेके चलता हूँ। ये अच्छा यार हम क्या कहते हैं थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे आए थे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, वो सामने देखें वॉकिंग डिस्टेंस ही है, और ये दूसरी गली आ गई है, गली सुरजन सिंह, ठीक है, यहाँ से हम अब एंटर होते हैं। ये गली यहाँ पे क्या कहते हैं बड़ी कमाल की, छोटी छोटी ये अंदरून वाली जो जगह होती है ना,
काफ़ी तंग और बड़ी मज़े की होती हैं, और यहाँ पे वॉक करने का अपना ही मज़ा आता है। ये अगर हम देखें वो छोटी गली में चलते हैं इधर पहले, इसमें राइट साइड ये देखें, ये क्या कि इसमें ना सिर्फ जब एक औरत और एक मर्द जो है वो उसमें सिर्फ निकाह की गुंजाइश पे यही वो गली है। देखें फातिह तू उस्मान के साथ जा, तो उस्मान के साथ जा, एक वहां से आए और दूसरा ये देखें इतनी तंग गली है कि अगर दो बंदे वहां से एक आ रहा हो और यहाँ से जा रहा हो आपस में टकराए बगैर बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएगा। देखें ये उससे भी तंग, ये देखें और लिखा है जी आया जी आया है, आगे जाके नैनो हो जाएगी, सही बात है। ये देखें और तंग होती है, सही बात है। ये देखें और तंग होती जा रही है ये गली, और यहाँ पे मोटर वगैरह और सब कुछ यहाँ पे। वैसे यहाँ का विजिट करना बहुत लेवल का है, आप लोगों को भी विजिट करना चाहिए, बहुत ही कमाल की ये इन्होंने स्ट्रीट्स बनाई हुई हैं। छोटे कहते हैं वहाँ से स्ट्रीट्स जो छोटी छोटी थी वहाँ से विजिट करके वापस आ गए हैं। अब हम जो उसके लेफ्ट साइड पे जो टर्न हो रही थी स्ट्रीट, वहाँ पे हम एंटर हुए हैं। तो यहाँ पे ये उस्मान की बैठक, उस्मान ये मेरा दोस्त उस्मान जा रहा है, इसकी बैठक है। ये इसने रेंट पे ली हुई है या अपनी है? नहीं अपनी है, अपनी है। ये देखें ये उस्मान की बैठक है, और ये किसी का मुझे लगता है कि घर ही होना है। उस्मान तेरा तो नहीं है? ये भाई चाबी अपने घर भूल रहे हैं, और ये इंतज़ार कर रहे हैं दरवाज़ा खोलेंगे। आ जाओ आगे चलें, आगे ही जाना है। ये आगे अखुवत बड़ा एक कैंप यार, ये सैलाब जरदगान का ये अखुवत, और ये क्या कहते हैं सैलाब जरदगान के हवाले से उन्होंने बैनर लगाए हुए। ये मतलब अखुवत फाउंडेशन है ऐसे नहीं? ये देखें ये बहुत ही कमाल की, आगे ये मस्जिद है, मस्जिद मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे जाके। यार हम मस्जिद वज़ीर ख़ान आ गए हैं, ठीक है, और बहुत ही प्यारी मस्जिद है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें ये मस्जिद वज़ीर ख़ान का बाइट से स्ट्रक्चर है, बहुत ही लेवल का, और वो चारों वहाँ पे खड़े हुए हैं अपना शुगर लगा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये देखें ये बहुत ही लेवल के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये इन्होंने शाम के टाइम बैठने के लिए जगह सिटिंग प्लान बनाया हुआ है, और वहाँ पे वो क्या कहते हैं वुड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप सामने वाली बिल्डिंग देख रहे हैं वो बहुत ही कमाल की बनी हुई है। आप लोग यहाँ पे विज़िट करें, आप लोगों को इंशाल्लाह मज़ा आएगा। ये दिल्ली गेट से आगे ही आते जाएँ तो वहाँ पर है, और हम आएँगे तो ज़रूर आप लोगों को अंदर से भी विज़िट करवाएँगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह जब टाइम होगा तो इंशाल्लाह आपको पूरी मस्जिद का विज़िट करवाएंगे। अभी हम निकलते हैं, निकले उस्मान। ये थोड़ी सी पेंटिंग्स वगैरह पड़ी हुई है, ये देखें ये क्या कहते हैं मोती मस्जिद लाहौर फोर्ट, ये इन्होंने पेंटिंग बनाई, ये पत्थर पे बनाई हुई है, बहुत ही प्यारी। ये आपको हाथ में पत्थर पे है सारी पेंटिंग, और बहुत ही मज़ेदार। और ये देखें ये है जी समर पैलेस लाहौर फोर्ट का, ये काफ़ी ड्राइंग्स वगैरह यहाँ पर हैं। अब निकलते हैं उस्मान, देर हो रही है। आ जा तैयब, कितनी देर है? अब यार हम आप वापस चलते हैं। यार के कहते हैं हम बादशाह मस्जिद आ गए थे, यहाँ पे जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी हमने, ठीक है। तो अब हम दोस्त यहाँ भी रहता है तो हमने उसको बुलाया है, और ये काफ़ी बहुत ही खूबसूरत इसका, हम वापस जा रहे हैं। कहता है यार आओ चलें बाहरी, वो कोई खिलाए पिलाएगा, देखते हैं क्या करता है। ये पीछे सारी बादशाह मस्जिद का व्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आएंगे फुल टाइम निकाल के, अभी तो बस वैसे ही थोड़ा सा विज़िट करने आए थे, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो पूरा एक व्लॉग एक ही चीज़ के ऊपर हम बनाएंगे, कि उसी की सारी डिटेल देंगे। अभी तो हम सिर्फ थोड़ा सा नमाज ही पढ़ी और हम अब वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह बाहर निकलते हैं, अभी कुछ भी हमने भी कुछ विज़िट नहीं किया, तो अगली दफ़ा जब विज़िट करेंगे इसके सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। ये आगे सारे तैयब जा रहे हैं, दानिश मेरे आगे है। दानिश कैसा लग रहा है नमाज पढ़ के, कैसा महसूस हो रहा है? सुकून महसूस होता है या नहीं? होता है ना महसूस? बेशक नमाज पढ़ने से सुकून महसूस होता है, और हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए, ताकि यार एक दिली सुकून और ज़हनी सुकून हमें मिलता है कि यार नमाज पढ़ने से, और मुसलमानों की जान इबादत है बेशक, और हमें इस पर काबू पाना चाहिए। मैं और आपको क्या कहूँगा कि हमें 5 वक्त का पाबंद होना चाहिए, यही हमारी आखरत में भी कामयाबी का ज़रिया है। इंशाल्लाह अब बाहर निकलने लगे हैं, वो लड़का आ गया है हमारे पास, और देखते हैं बाहर क्या करते हैं अब जाके। यार हम ना क्या कहते हैं दोस्त की तरफ आए हैं, ये बादशाह मस्जिद में ही घर है उसका, ये देखें ये एंटर होने लगे हैं। दोस्त यहीं पे ही रहता है, यहाँ का आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं।
ये देखें बिल्कुल सेम मस्जिद की तरह और जिस तरह पुराना बना हुआ था सेम टू सेम वैसा ही है। अभी घर शुरू हो गया, इसके बाद में आपको अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो व्यू है ये आपको कोई नहीं दिखा सकता, ये स्पेसिफिक व्यू है, यहाँ पे किसी को आना अलाउ भी नहीं है। तो अगर आप इस तरह के व्यू देखने चाहते हैं तो मिस्टर लियो को सब्सक्राइब करें। मिस्टर लियो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज काफ़ी दिन के बाद मैं यहाँ पे बादशाह मस्जिद आया हूँ, शाही किला। अभी तो मैं अपने व्यूवर्स को बड़ी देर, अभी हमारे पास शॉर्ट टाइम था इसलिए मैं कुछ भी दिखा नहीं पाया, तो इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। अब्दुल्ला नाम है मेरा, क्लास फेलो है, इनके पास आएंगे, इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये सारे यहाँ पे हमें यहाँ पे गाइड करवाएं, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी है। तो आज हम इनके घर के ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई अलाउ नहीं है। ये साथ जो आप देख रहे हैं ये गुरुद्वारा है, ठीक है, और जो इस तरफ है यहाँ पे हम खड़े हुए, ये सारा कहते हैं बादशाह मस्जिद, सारी की सारी नज़र आ रही है आप लोगों को। वो यहाँ से कोई भी व्यू नहीं ले सकता क्योंकि ये यहाँ पे अलाउ ही नहीं है किसी को आना। तो मैं अब्दुल्ला भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे एक्सेस दिलवाई। अभी हम क्या कहते हैं शाही के वो क्या है शाही किला, हाँ शाही किला भी हम विज़िट करके आए थे। तो इंशाल्लाह एक टूर अब्दुल्ला भाई आपके साथ रखेंगे, ओके हो गया। इसमें हम सबसे एक दिन का टूर हम बादशाह मस्जिद का रख लेंगे कि सारी चीज़ें बादशाह मस्जिद की दिखा देंगे, ठीक हो गया। एक दिन हम शाही किले का दिखा देंगे, शाही किले में फिर इंशाल्लाह मीनारे पाकिस्तान में गुरुद्वारा वगैरह सारा एक एक क्या कहते हैं व्लॉग में हम डिफरेंट डिफरेंट ये चीज़ें दिखाएंगे। एक एक दिन हम ज़रूर आएंगे क्योंकि ये तो यहीं पे ही रहते हैं यूनिवर्सिटी, किसी ने प्लान बना लेंगे और यहाँ पे चक्कर लगाएंगे। और आपका बहुत शुक्रिया। आपके साथ और कौन कौन आया हुआ है? वो तैयब खड़ा हुआ है, इन्होंने सही इंजॉय किया साथ, दानिश है, उस्मान, फातिक, ये तो दुखे है। इसमें मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, इसमें भी इज्तिमाई दुआ भी करवाई है यहाँ पे, अजानों के बाद। अल्लाह हाफिज़।